सिमरिया विधायक और जनपद सीईओ सिरमौर का ऑडियो वायरल होने के बाद हुई मारपीट के मामले में विधायक केपी त्रिपाठी को आरोपी बनाने की मांग को लेकर आप पार्टी के द्वारा जल सत्याग्रह शुरू कर दिया गया है। यह जल सत्याग्रह बसावन मामा में किया जा रहा है। सत्याग्रह करने वालों ने कहा है कि केपी त्रिपाठी को साजिश रचने का आरोपी बनाया जाना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी हो। जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है और उन्हें आश्वासन नहीं मिलता, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आइए दिखाते हैं प्रदर्शनकारियों को उनका क्या कहना है। घूम रहे हैं, इसलिए तब तक हम लोग का जब पैर का चमड़ा सूख जाए, कुछ हो जाए, हम लोग हटेंगे नहीं जब तक FIR जो है। हालांकि हमने कह दिया है पैसा हम लोग नहीं देंगे, उसको कवर करना पड़ेगा, ऐसा ना चलता है। ये जल सत्याग्रह चल रहा है आपका, क्या मांगे हैं और अभी प्रशासन कुछ बात किया, कब से आप लोग बैठे हैं? ये हम लोग जो हैं सुबह से बैठे हैं, जैसे पूर्व घोषित किया था हम लोगों ने कि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से सीईओ मिश्रा जी के ऊपर, इस क्षेत्र के विधायक केपी त्रिपाठी जो पिछले 4 सालों से यहाँ के जो है गुंडागर्दी आतंक के पर्याय बने हुए हैं, हर किसी गांव के अंदर में उनके लोगों के द्वारा हैंडपंप पे कब्जा कर लेना, उनके लोगों द्वारा भ्रष्टाचार करवाना पंचायतों में, ये सब काम जिस प्रकार से पिछली बार मेरे ऊपर जो प्राणघातक हमला हुआ, अभी जो है सीईओ के ऊपर जिस प्रकार उनके गुर्गों ने मिलकर जिस प्रकार मारपीट की, तो ये जो है सीधा आरोप जो लगाया है वहाँ के सीईओ ने बताया है कि विधायक के द्वारा कराया है, उनके लोगों ने मारा है। तो हम लोग जल सत्ता कह रहे इसमें कि 120B षड्यंत्र कर साजिश कर प्राणघातक हमला कराना, ये जो है, और इस पार्टी ने बीजेपी की पार्टी ने मानते हुए अपने सारे जिनके नाम आए थे उन सभी संगठन के लोगों को हटा दिया है, और अब जो है आम आदमी पार्टी की जिला इकाई के समस्त लोग, पूरे लोग, संगठन के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ बैठे हुए हैं अनवरत तरीके से इस बात को कहने के लिए कि हम लोग जो हैं यहाँ पर तब तक नहीं उठेंगे जब तक जो है उनके ऊपर ये धाराएं ना लग जाए, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, इस बात के लिए हम पहुँचे हैं यहाँ पर। कितना लगता है कि विधायक के खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी, सत्ता पक्षी विधायक के खिलाफ? अब आम जनमानस 2023 का चुनाव नज़दीक है, खुद इनको रिजल्ट दिखाएगी, पर जो घटना इनके द्वारा, इनके गुर्गों के द्वारा सीईओ के ऊपर हमला कर, प्राणघातक हमला कर इन लोगों ने दिखाया है, ये सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जू तक नहीं रेंग रही है, ये मंडल कमंडल के लोगों को हटा के निष्कासित करके क्या दिखाना चाहते रीवा की धरती में? जो मेन अपराधी है, जिसके ये गुर्गे हैं, जिसके ऑडियो वायरल होने के बाद इन लोगों ने घटना कारित की है, मेन विधायक है, विधायक को हटाना चाहिए, विधायक के ऊपर निष्कासन होना चाहिए और FIR होना चाहिए और धाराएँ लगनी चाहिए, और साथ में हम लोग तब तक नहीं उठेंगे जब तक विधायक के ऊपर FIR नहीं हो जाती है, और ये अनवरत हम लोगों को चलता रहेगा। और इसके अलावा भी इनका पिछला रिकॉर्ड ट्रैंक है, ये रामानंद जी जो विराट न्यूज के संचालक हैं उनके ऊपर इन लोगों ने हमला किया, हमारे पूर्व प्रत्याशी रहे विधानसभा सिमरिया से प्रमोद शर्मा जी के ऊपर इन्होंने हमला किया, और लगातार कहीं ना कहीं चुटपुट वारदातें इनके आदमियों के द्वारा होती रही और FIR कहीं नहीं होते थे, क्योंकि ये अपने प्रभाव और प्रभाव का जो है तो इन्होंने इस्तेमाल किया। आर पार की लड़ाई होगी, हम लोग तब तक नहीं उठेंगे जब तक प्रशासन पूरी तरह से सीओ साहब के ऊपर हमला करने वाले मेन विधायक के ऊपर FIR नहीं करती, तब तक हम लोग जल सत्याग्रह इसी तरह करते रहेंगे। हम लोग चूँकि 9 बजे सुबह से हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोगों के हाथ भी सिकुड़ रहे हैं, हम लोग बहुत सारे लोग डायबिटीज़ और BP के मरीज भी हैं, इसलिए प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। प्रशासन को भी हम लोग चिताना चाहते हैं, अगर कोई अप्रिय घटना घटती है इसके लिए पूरा जिला प्रशासन दोषी होगा। जी, क्या मानते हैं किस तरह का ये कार्यक्रम चल रहा है, किस तरह सरकार की अनुशासन मिलता है, किस तरह से दमनकारी नीतियाँ क्या कहना? ये हम जिला सचिव विजय मिश्रा एडवोकेट हैं, हमारा ये कहना है कि यही अगर RDO सामान्य व्यक्ति के साथ हुआ होता और फिर उसके साथ मारपीट हो जाती, तो यही SP और थाना प्रभारी लोग उसको उठा करके उसके पास ऊपर सब धारा लगा देते कि तुम्हें नहीं मरवाया है, और उसके सब कर्म कर डालते। लेकिन यहाँ पे केवल एक विधायक होने के नाते उनका बचाव किया जा रहा है, ये एक तरह से प्रजातंत्र फेल हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो रहा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। SP से मांग है कि जिस प्रकार जनता के साथ व्यवहार करते हैं उसी प्रकार एक विधायक जब इतने गंदे स्तर पर उतर आया है तो उसके साथ भी यही कार्रवाई होनी चाहिए। 120B का धारा लगा करके इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीबद्ध किया जाना चाहिए। इस तरह से आप सिमरिया में देख रहे होंगे कि जिस तरह से KP
त्रिपाठी लगातार गुंडागर्दी आए दिन, ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन किसी न किसी तरह की कोई घटनाएं नहीं आती हैं जो इनके द्वारा पाले हुए गुंडों द्वारा किया जाता है, और इस पे प्रशासन कोई भी एक्शन नहीं लेती है। इनको प्रशासन का संरक्षण मिल रहा है। हम ये आज प्रशासन से मांग करते हैं कि जिस तरह से इनको शासन का संरक्षण मिल रहा है, जल सत्याग्रह में शामिल जी जी किस तरह से हम ये विधायक जी का बहुत बड़ा यहाँ षड्यंत्र है, और ये आए दिन इसी तरह घटना घटित होती रहती है। अब ये बताएं कि जब एक कर्मचारी को इस तरह मारा पीटा जाता है तो एक आम आदमी का क्या हाल होता होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे अत्याचारी विधायक का तत्काल गिरफ्तारी हो, यानी ये अनशन प्रदर्शन चलता रहेगा। और ये जो मोदी जी की सरकार है, ये गुंडों की सरकार है, मैं यही कहना चाहता हूं कि सब सावधान हो जाएं, चूंकि अब जनता जागरूक हो चुकी। सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी और जनपद सीओ का ऑडियो वायरल हुआ, जिसके बाद केपी त्रिपाठी के आदमियों के द्वारा जनपद सीओ के ऊपर प्राणघातक हमला करवाया गया। हमला करने के और करवाने के बाद से ही आप पार्टी के साथ साथ अन्य दलों ने विरोध शुरू कर दिया था। बड़े दबाव के बाद पुलिस प्रशासन ने मामला दर्ज किया, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, जिसके विरोध में आप पार्टी के पदाधिकारियों ने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन के कान में अभी तक जू नहीं रेंगी है, और घंटों जल सत्याग्रह में बैठने के बाद भी अभी तक पुलिस प्रशासन ना ही किसी प्रकार की शुद्ध लिया ना पहुंचा है। अब देखने वाली बात यह है कि सत्ता और सरकार के दबाव में प्रशासन गिरफ्तारी करता है या नहीं करता, आंदोलनकारियों के पास पहुँच कर उनकी सुनता है या नहीं सुनता, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से स्पष्ट है, जिस तरह से लोगों का कहना है कि अभी तक कोई प्रशासन पूछा नहीं है, कार्रवाइयाँ नहीं हुई हैं, अगर कार्रवाइयाँ पहले की जाती तो निश्चित तौर पर आज यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तो निश्चित है कि बिल्कुल सत्ता के मद में चूर विधायक और प्रशासन है, जिसके चलते कोई सुन लेने वाला नहीं है। विराट 24 के लिए सिमरिया से रामानंद पांडे।